हेलो यूरन, मैं हूँ रवि। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना किसी ब्रोकरेज के भी क्या ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग किया जा सकता है। तो बिल्कुल हाँ, आप इसमें आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जिसका नाम है शून्य फिनवेसिया, ये बिल्कुल जीरोधा वेब पोर्टल की तरह ही काम करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये स्क्रीन पर, जैसा जीरोधा का इंटरफेस है वैसे की वैसे ही शून्य फिनवेसिया का भी सेम इंटरफेस है। मैं कुछ सालों से इसी का यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके तीन प्लेटफॉर्म यूज़ आप कर सकते हो। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो गूगल प्ले स्टोर में जाके शून्य टाइप कर देना, जो शून्य का एक सॉफ्टवेयर आता है वो उसमें आप यूज़ कर सकते हो उस ट्रेडिंग करने के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल होता है और अच्छे से वर्क करता है। इसके अलावा आप इसका जो अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वाला जो आप देख पा रहे हो ये वेब पोर्टल होता है, इसमें ये सेम टू सेम जीरोधा जैसी है, लेकिन जीरोधा का बहुत स्मूथ काम करता है, ये काम नहीं करता इतना स्मूथ। तो अब मैं प्रिपेयर करूँगा कि अगर आप पीसी और कंप्यूटर पे ही लैपटॉप वगैरह पे यूज़ कर रहे हो तो इस वेब पोर्टल की वजह इसके एक अलग से पीसी सॉफ्टवेयर भी आता है जिसको हम टर्मिनल कहते हैं फिनवेजिया का, जो कि मैं बता देता हूँ खोल के। ये इस प्रकार का दिखता है, ये सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है वेब पोर्टल, और इसमें बहुत अंतर होता है। तो अगर आप लैपटॉप और पीसी में यूज़ करना चाहते हो, शून्य पर काम करना चाहते हो जिसमें आपकी ब्रोकरेज नहीं लगे, तो आप इस टर्मिनल का यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है फिनवेसिया। मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका यूज़ कैसे करना है और इसकी क्या सेटिंग वगैरह करनी है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो सवाल है कि जीरोधा से लोग भाग इस पर शिफ्ट क्यों होंगे अगर होना चाहें तो। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप ज़्यादा कमा लेते हो वो भी कम ट्रेड करके, मतलब आप पर डे में एक दो ही ट्रेड लेते हो या तीन ट्रेड लेते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, तब तो आपको जीरोधा पे ही रहना चाहिए। फिर आपको ये बिना ब्रोकरेज के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन अगर आप लर्निंग है, अभी आपकी शुरुआत है और आपके ब्रोकरेज ज़्यादा हो जाती है, लॉस में रहते हो या फिर आप ओवर ट्रेड करते हो, तो बिना कुछ सोचे आपको फिर शून्य पे आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका सीधा सी बात है कि उसमें आपके ब्रोकरेज बचेगी ही बचेगी, क्योंकि इसमें पर ट्रेड बिल्कुल, इसका डीमैट अकाउंट चार्ज भी कुछ भी नहीं है, पूरा शून्य है, और ना ही इसका मेंटेनेंस चार्ज है, और इसमें पर ट्रेड में आपके 1 या 2 रुपये ही चार्ज कटता है, इससे ज़्यादा नहीं कटता। तो इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात, एक और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो बस आप इस पर 10 लाख रुपए डाल दिए या 20 लाख रुपए डाल दिए। देखो कंपनी नहीं है तो अपने कैपिटल का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी ये है कि आप इसमें इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब मैं मेरे ऊपर बता देता हूँ कि मैं बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मैं सबसे पहले, मेरा सबसे पहला अकाउंट तो एंजल वन में था, उसके बाद मैंने अपस्टॉक भी यूज़ कर रखे हैं, लेकिन मेरा मेन फेवरेट जीरोधा ही था। और जीरोधा में मैं ये वेब पोर्टल यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें पोजीशन अलग से देखनी पड़ती है, फिर होल्डिंग देखो, फिर ऑर्डर में जाना पड़ता है इसमें अलग अलग। तो मतलब आप सोच रहे हो ये क्या बता रहा, तो जैसे कि आप फास्ट एग्जीक्यूशन करते हो तो इसमें सब दिक्कत आती है, आपको स्क्रीन पर ही पोजीशन देखनी होती है कि क्या लॉस चल रहा है, क्या प्रॉफिट, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें क्या है कि वो कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। तो पहले जीरोधा काइट का एक टर्मिनल आता था जैसा मैं बता रहा हूँ ये वाला, इसमें का तो ऐसा जीरोधा का भी आता था, तो उसमें मैं यूज़ करता था, लेकिन वो पता नहीं क्यों बंद कर दिया, वो जीरोधा का जो टर्मिनल था वो कंपनी ने बंद कर दिया। तो और मैं वेब में कंफर्टेबल नहीं हूँ, जो क्योंकि सीधी सी बात है अपन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, बस ठीक ठाक कर लेते हैं, तो मुझे कंफर्टेबल कम लगता है जिसमें पोजीशन यहाँ सामने दिखती नहीं, और इसमें चार्ज वगैरह भी है खैर। और मेरी बात यह है कि मैं ओवर ट्रेड ज़्यादा करता हूँ, मतलब मैं ट्रेड ज़्यादा लेता हूँ दिन में, क्योंकि मेरा काम जो है वो दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहने का ही, इसलिए मैं ट्रेड ज़्यादा करता हूँ। तो सीधी सी बात है, मेरे 1 महीने में यूँ समझ लो आप कि मेरे 1 महीने में 12 से 15 हज़ार रुपये ब्रोकरेज ही चली जाती है, हर महीने की इतनी ब्रोकरेज चली जाती है मेरी। तो इसलिए मैंने कुछ सालों से मैं शून्य फिनवेसिया टर्मिनल का यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मेरी ये ब्रोकरेज बच रही है। तो इस तरह से मतलब मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं जो आप ऐप डाउनलोड करोगे वो तो आप देख ही लोगे सीधी, जो बाकी ऐप रहती है जैसे कि आप स्टॉक वगैरह वैसी ही मिलेगी, तो उसमें कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये जो वेब पोर्टल है ये भी सेम वैसा, इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है, यहाँ से आप चेन देख सकते हो ये, और सेम वही जैसे कि अपन जीरोधा में बाई सेल करते हैं, सेम टू सेम वही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन इसमें जो स्पीड, इसमें भी फिर वही बात है कि पोजीशन के लिए आप यहाँ पर देखोगे, होल्डिंग यहाँ पर देखोगे, तो अगर आप बहुत फास्ट स्केल्पिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए सही यही रहेगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। आप इस वीडियो को देख सकते हो कि किस तरह से। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ। गूगल पे जाएंगे, फिनवेसिया टाइप करेंगे और यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो भी आएगा लिंक उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें टूल्स में जाएंगे, टूल्स में डाउनलोड्स पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिख रखा है यहाँ पे विंडोज़ वाला जो आइकन है, अगर आप मैकबुक यूज़ करते हो तो मैकबुक पे क्लिक कर सकते हो। ये विंडोज़ वाले पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब ये क्या है कि इसका आइकन ये बन के आ जाएगा, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो इसमें पासवर्ड डाल देना और इसमें क्या है कि आपको पेन नंबर डालने पड़ेंगे। पेन नंबर डालने पर जैसे आप पेन नंबर डालोगे तो उसमें क्या है कि एक ओटीपी जाएगा जो आपके मेल पे जाएगा। तो मेल में आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, अपडेट में जाता है जैसे नो रिप्लाई के आया हुआ है ओटीपी। ये ओटीपी आप इसमें डालोगे तब जाके लॉगिन होगा। और सबसे मेन बात की जैसे कि 9:15 पे बाजार ओपन होता है, तो आप यूँ नहीं कि 9:15 पे खोल रहे हो तो 9:15 पे सॉफ्टवेयर खोल लो, इसको 9 बजे ही खोल के रखना है क्योंकि इसको ओपन होने में 3-4 मिनट लग जाते हैं। मतलब बस यही इसकी दिक्कत है, इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको ओपन होने में टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं जीरोधा जैसा कि बस आपने पासवर्ड डाले और तुरंत फटाक से ओपन हो गया, क्योंकि अब ये बिना ब्रोकरेज का है तो कुछ तो कमी होगी ही। तो सबसे मेन बात तो यही कि अगर आपके जैसे कि मान लो मैं 12-15 हज़ार रुपये महीना ब्रोकरेज के जो जा रहे थे मेरे जीरोधा में पहले, वो मेरे कितने सालों से बच रहे हैं, तो एक तो मेरा ये बेनिफिट हो ही गया। तो इसी तरह अगर आपके 3-4 हज़ार रुपये ब्रोकरेज चली जाती है या किसी के 7-8 हज़ार रुपये, तो आपका पहला फायदा तो यही हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो मेन बात होगी। अब जैसे कि ये मैंने जमा रखा है, अगर आपको इसकी सेटिंग देखनी हो तो आप आगे वीडियो को और देख सकते हो, नहीं तो बस आपका काम ही ख़त्म। आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो अगर आपको हेल्प हुई। और अगर ये आप सोचते हो कि सेम ऐसी सेटिंग जमानी तो कैसे, क्योंकि ये ऐसा जमा जमा ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल खाली मिलेगा। तो सबसे मेन बात तो ये कि ऐसी सेटिंग क्यों करोगे आप, तो उसका मेन बात ये है कि जैसे कि इसमें आप ऑप्शन चेंज भी देख पा रहे हो, यहाँ पे ये स्क्रीन पर आपको दिख रही है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ये ऑप्शन चेंज यहाँ पे दिख रही है, इसमें आप ये डबल क्लिक करोगे ये बाय हो जाएगा। जैसे कि आपको सी बाय करना, सी बाय हो जाएगा, पी बाय करना, ये पी यहाँ से बाय हो जाएगा। तो ऑप्शन चेन भी आपको एक ही स्क्रीन पर दिख रही है। दूसरा, आपको जैसे कि बैंक निफ्टी, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और बैंक निफ्टी में लेना है, तो बैंक निफ्टी में भी ले सकते हो फटाक से, और कंट्रोल शिफ्ट हो दबा के ये निफ्टी की ऑप्शन चेन खुल गई, निफ्टी में भी ले सकते हो। और साथ में लेते ही डायरेक्ट नेट पोजिशन जो कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका पी एन एल शो होने लग जाएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि, क्योंकि ऐसा होता है कि इंडेक्स में अपन एस एल रखते हैं लेकिन टाइम डिके में अपना एस एल ज़्यादा बड़ा होता रहता है, तो आपको पोजीशन देखनी ही पड़ती है। अपन इतने बड़े बाकी नहीं है कि मतलब उसमें पता ही नहीं चले कि अपन पोजीशन को देख ही नहीं रहे हो। जैसे कि आप बड़े चैनल में दिखाते हैं, सभी जने कहते हैं कि पोजीशन को देखना नहीं चाहिए, है ना, और ये जो एस एल है जो इंडेक्स को देख कर रखना चाहिए। तो देखो, इंडेक्स को देखते रहोगे तो यहाँ पर टाइम डिके में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका एस एल 5 हज़ार रुपये का है तो वो 7-8 हज़ार तक लूज दिखाने लग जाए। तो इसलिए आपको पोजीशन भी देखते रहना चाहिए, ये पोजीशन यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। और जैसे कि आप जो ऑर्डर लगाओगे यहाँ पे, तुरंत ऑर्डर एक क्लिक पे यहीं एक ही स्क्रीन पर यहाँ पे दिख जाएगा ये पोजीशन। यहाँ पे मतलब आप एक ही स्क्रीन पे ये सब कुछ देख सकते हो। और इसी के अलावा आप इसको मिनिमाइज़ करके अगर लाइव चार्ट भी देखना चाहते हो तो ये आप चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हो ऐसे रख कर, ठीक है। तो ये इसका मेन बेनिफिट यही है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ये सेटिंग सेम टू सेम ऐसी ही रखनी है तो मैं बता देता हूँ, ये आप जब जब भी इसको इंस्टॉल करोगे इस सॉफ्टवेयर को, तो ये बिल्कुल खाली खुलेगा। तो आपको कैसे जमाना है मैं बता देता हूँ, ये इस तरह से ओपन होगा, बिल्कुल खाली रहेगा। तो अपन यहाँ पे जाएंगे मार्केट पे, यहाँ पे जाएंगे ग्रुप पे और ग्रुप का नाम कुछ भी दे देते हैं, जैसे कुछ भी दे दिया और ठीक है, ये खुल गया। अब यहाँ पे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आप फ्यूचर और ऑप्शन में ही ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, आप स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये एनएससी का है, अपन एचडीएफसी ये ले लेते हैं, ये एचडीएफसी आ गया, और अपन को मेन अपन ऑप्शन फ्यूचर वाले हैं तो ये एनएफओ में जाएंगे, और ये बैंक निफ्टी और निफ्टी भी ऐड कर लेंगे, निफ्टी ये ऐड हो गया, ठीक है। अब आप इसको उठा के और ये यहाँ पे रख दो इसके। अब अपन को क्या करना है, इसमें अपन को
ऑप्शन चेन देखनी, तो ये बैंक निफ्टी कंट्रोल शिफ्ट, ये मतलब ये जो माउस है जिसकी भी ऑप्शन चेन देखनी है, ये निफ्टी या बैंक, जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी, इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाएंगे, ये आपकी ऑप्शन चेन भी आएगी। ठीक है, अब अपन को चाहिए ऑर्डर और नेट पोजीशन, तो उसके लिए अपन देखेंगे ये कहाँ पे है। ऑप्शन चेन तो अपन ने लगा ही दिए, ट्रेडिंग यहाँ पे कहीं होना चाहिए, ये नेट पोजीशन। ठीक है, तो ये नेट पोजीशन भी आ गया, और अब अपन को इसको जमाना कैसे, मेन बात। तो ये देखते रहिए आप कैसे जमा रहा हूँ मैं, और एक ऑर्डर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको स्लो करके भी देख सकते हो आप, बाद में वीडियो को पोस्ट रोक के भी देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं ढंग से समझाऊंगा तो वीडियो लंबा होता जाएगा। ये एक ऑर्डर वो, ठीक है, ये वैसा के वैसे ही जम गया जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। इसको थोड़ा नीचे ले लेंगे, ठीक है, ये नेट पोजीशन, ये आ गई, ये नेट पोजीशन, ये आपकी ऑप्शन चेन, ये आपके इंडेक्स यहाँ पे। अब इसमें जैसे कि आपको ये बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से जो शो कॉलम वाला ऑप्शन है, इसमें से आप ये जो, जैसे कि आपको बिट प्राइस नहीं चाहिए या आपको ये वाई इंटरेस्ट नहीं देखना है, तो इस पे अनक्लिक कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं, ये आपके हिसाब से जमा सकते हैं। इसके मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, जैसे कि आपको जो भी आपको लग रहा है कि ये स्ट्राइक प्राइस की ज़रूरत नहीं है, ये नज़र नहीं आना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं, तो ये यहाँ पे कहीं पे किधर भी कर्सर को रखो और राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो एक शो कॉलम चूज़र, जो भी आपको कॉलम रखना है यहाँ पे, जो रखना है उस पर राइट क्लिक कर देना, और जो नहीं रखना उस पर क्लिक हटा देना, तो बस ये हो जाएगा। ये होने के बाद मेन बात ये कि इसको सेव करना ज़रूरी है, तो सेव ये जो है ना अप्लाई, या फिर आप सबसे मेन बात ये सेटिंग पे जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे, और ये जो अपडेट है यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। जैसे मैंने कर रखा है, मेरी सेटिंग बिगड़ जाएगी तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बस ये करके कौन सा भी जो भी आप नाम रखना चाहते हो और उस पर सेव कर देना और अप्लाई करके रखें, ताकि ये आपकी जो भी सेटिंग करोगे ये सेव हो जाएगी। ठीक है गाइस, अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।